ऋषभ पंत ने खरीदी थी 2 करोड़ में माचिस की डिब्बी, एक्सीडेंट में निकल गई मर्सिडीज कार फिसड्डी। सुरक्षा का दावा करोड़ों में दाम, पर डिवाइडर से टकराती मर्सिडीज हो गई मारुति 800 से भी बेकार। पहले साइरस मिस्त्री को मारा, अब पंत का हाल बुरा, 2 करोड़ में कागज की नाव बना रहा है मर्सिडीज। इधर ऋषभ पंत का भयानक एक्सीडेंट हुआ, उधर भारत से लेकर जर्मनी की सरकार तक हिल गई। जर्मन कंपनी मर्सिडीज की कार का ऐसा कबाड़ा 6 महीने में भारत दूसरी बार देख रहा है। करोड़ों के दाम पर ये गाड़ी माचिस की तिल्ली से भी कमजोर है। ऋषभ पंत इसी गाड़ी में बैठे थे। मर्सिडीज की कार सबसे सुरक्षित मानी जाती है, सुरक्षा के नाम पर ही टाटा की गाड़ियों से भी कमजोर मर्सिडीज कार इंडिया में करोड़ों में बिकती है। साल 2017 में ऋषभ पंत ने आईपीएल की कमाई से एक मर्सिडीज कार खरीदी थी। उसके बाद ना जाने कितनी गाड़ी खरीदी, पर एक गाड़ी ऐसी खरीदी जिसमें उनकी मौत लिखी थी, वो तो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो मर्सिडीज वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमारे देश में टाटा और महिंद्रा की कार इन विदेशी कंपनियों की कारों से ज्यादा सुरक्षित होती है, पर कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर मानी जाती है। जिस गाड़ी को पंत चला रहे थे उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज जीएलई 43 AMG कूपे। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ है। जर्मन कंपनी का दावा होता है कि कार इतनी सुरक्षित होती है कि यमराज भी धोखा खा जाएंगे, पर आज पूरी दुनिया ने मर्सिडीज कार जैसी कंपनी की महंगी कार को माचिस की तिल्ली की तरह जलते देखा तो कई सवाल खड़े हो गए। वो सवाल जिसका जवाब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से लेकर बीसीसीआई के अधिकारी तक तलाश रहे होंगे। ये कार सिर्फ ऋषभ पंत के पास नहीं है, बल्कि लगभग हर अमीर या वीआईपी आदमी के पास ये कार होती है। यहाँ तक कि पीएम मोदी के काफिले में भी मर्सिडीज शामिल है। सलमान, शाहरुख सब इसी कंपनी पर भरोसा करते हैं। पर जो सच है वो सुनिए, मर्सिडीज कार में 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली कार की स्पीड तूफानी होती है। यहाँ तक कि सिर्फ 6 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। ये कार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलती है, लेकिन दावा किया गया है कि इस स्पीड में भी इंसान की मौत नहीं होगी, पर कार माचिस की डिब्बी की तरह जल जाएगी। कंपनी का दावा है कि कार में 7 हाई सिक्योरिटी एयरबैग है, जो किसी भी कंपनी की कार से बेहतर सुरक्षा देती है। पर इसी कार में उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। 2019 में लॉन्च हुई मर्सिडीज जीएलई 43 को यूरो एनकैप ने हाईएस्ट 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। यूरो एनकैप के मुताबिक कार को एडल्ट व्यक्ति के लिए 91% और बच्चों के लिए 90% सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस कार में सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव ब्रेक लाइट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मर्सिडीज का फ्री सेफ ऑक्यूपमेंट प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। पर कंपनी अपने दावे में फेल हो गई। यहाँ 2 तस्वीरें देखिए, पहली है पंत के कार की तस्वीर, दूसरी है साइरस मिस्त्री के कार की तस्वीर। हिंदुस्तान में कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। साइरस मिस्त्री और पंत एक ही कंपनी के कार मर्सिडीज में बैठे थे। पंत की कार की हालत देखिए, ये देखकर कोई भी कह सकता है कि गाड़ी की हालत खराब हो गई, पर पंत बच गए, यानी कार में दम था। पर साइरस मिस्त्री की गाड़ी की तस्वीर देखिए, देखकर लगता है हल्का एक्सीडेंट था, पर मिस्त्री की मौत हो गई। तो फिर सवाल उठता है, मर्सिडीज कार के सुरक्षित एयरबैग कहाँ थे? कार का ऑटोमेशन कहाँ था? कार महंगी होने के बाद भी आनंद महिंद्रा की एक्सयूवी 700 की तरह ऑटो स्पीड कंट्रोल सिस्टम क्या कहाँ था? यानी जो विदेशी कंपनियां भारत में करोड़ों की कार बेचकर भौकाल बना रही हैं, दरअसल उनकी हालत मारुति 800 से कम नहीं है। पंत की गाड़ी का जलना साफ बताता है, कार कंपनी से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर पेट्रोल टैंक फट गया तो फिर ऐसा टैंक लगाया ही क्यों जो फट गया। जैसे सेना की गाड़ियों के लिए एक अलग तरह के लोहे का प्रयोग कर टैंक बनाया जाता है, वो ऐसे हालात में फटता नहीं है। 5 सितंबर 2022 को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बीएमडब्ल्यू कार का टायर फटने से भयानक हादसा हुआ था। जिन लोगों ने हादसा देखा था उनका दावा था कि कार हवा में उड़ गई थी। यानी ये विदेशी कंपनियां दावा तो करती है कि 1 लाख की स्पीड से चलो, हवाई जहाज से तेज चलो, सुरक्षा हम देंगे, पर सड़क पर इनका दावा फिसड्डी साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।